हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी एलेसोने एसटी क्रीम की। गाइज, अगर आप एलेसोने एसटी क्रीम को इस्तेमाल करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो में मैं ये क्रीम को बेनिफिट्स तो बताऊँगी, साथ ही इसको कैसे यूज़ करें ताकि आपके फेस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, साथ ही किस टाइप की स्किन के लिए ये सेफ नहीं है, किन को यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं ये क्रीम के प्राइस के बारे में। ये 15 and 25 ग्राम के ट्यूब के साथ अवेलेबल है। इसका जो 15 ग्राम का प्राइस है 135 रुपीज़, आफ्टर डिस्काउंट जो है 80 रुपीज़ तक इजीली मिल जाता है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। तो ये क्रीम का यूज जो है मेलास्मा के लिए बेसिकली किया जाता है, जो चेहरे पर काले काले डार्क डार्क पैचेस बन जाते हैं उसको ट्रीट करती है ये क्रीम। ये चेहरे के कालापन को भी हटा देती है, चेहरे को निखारने का काम करती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन का यूज किया गया है। हाइड्रोक्विनोन जो एक तरह का ब्लीचिंग है, चेहरे का जो कालापन है उसको हटा देता है, स्किन पर जो मेलानिनीकरण होती है उसको रिड्यूस करता है। इसमें टैटिनोन का भी यूज किया गया है, जो एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होती है उसको रिमूव करता है। तीसरा जो है इसमें इंग्रेडिएंट का जो यूज किया गया वो है मोमेटासोन है। मोमेटासोन एक स्टेरॉयड है, ये स्किन के ऊपर नुकसान करता है। स्किन के ऊपर ज़्यादा यूज करने से स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है, स्किन जो है हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकती है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, उनको तो ये क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जिनकी स्किन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही दाग धब्बे, ना ही स्किन का कलर को इम्प्रूव करना है, स्किन फेयर है, क्लियर है, उनको भी ये क्रीम जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जिनकी स्किन पर मेलाज़मा है, झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह है, स्किन पर कालापन है, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देती हूँ। तो एक तो ये आपको ओनली नाइट में यूज़ करना है, दिन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है कोई अच्छा फेस वॉश से, उसके बाद पहले अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगा लो, ठीक है। तो उसके बाद ये क्रीम को लगाना है। एकदम थोड़ी सी मटर के दाने बराबर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये नहीं कि जल्दी गोरा होना है, बहुत सारी क्रीम ले ली और पूरे फेस पे लगा ली, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ी सी क्रीम लेके अपने फेस पर लगानी है। ओनली दाग धब्बे के ऊपर भी आप लगा सकते हो, या फिर गोरेपन के लिए आप लगा रहे हो तो पूरे फेस पे भी आप लगा सकते हो। रात भर ऐसे ही रहने देना है, मॉर्निंग में दोबारा से फेस को वॉश कर लेना है। दिन में जो है कोई दूसरी क्रीम लगा सकते हो। सनस्क्रीन जरूर ऐड करें अपने स्किन रूटीन पर, खासतौर पर आप बाहर निकलते हो तो जितना भी असर हुआ ये क्रीम यूज़ करने से वो बरकरार रहता है, ठीक है। तो सनस्क्रीन यूज़ अगर आप नहीं करते हो तो बाहर जाते हो तो दोबारा स्किन जो है काली पड़ जाएगी, क्लियर। नंबर टू ये है कि ये क्रीम को 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 2 हफ्ते के बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करना है 2 हफ्ते तक, उसके बाद 2 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करना है। ऐसे करके धीरे धीरे करके छोड़ना है। अगर आप एकदम से ये क्रीम को लगाना छोड़ दोगे तो चेहरा जो है दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा, दाग धब्बे फिर से आ जाएंगे और चेहरा जो है डार्क दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जितना फास्ट होता है उतना ही जल्दी जो है असर भी चला जाता है। तो इसलिए मेरे बताए हुए तरीके से आप यूज़ करिए, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, साथ ही रिजल्ट भी जो है बरकरार रहेगा। एंड एक मेन पॉइंट, फेस पर यूज़ करने से पहले एक बार पैच जरूर ले लीजिएगा, कान के पीछे थोड़ी सी क्रीम लगा के देख लीजिए पहले, कान के पीछे जो है किसी तरह का इरिटेशन, जलन तो नहीं हो रहा हो, तो अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करना, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट्स रह गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।